हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में एक अलग ड्राइव क्रिएट करोगे। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास बस ये सी दिखा रहा है ना, तो विंडोज़ और लिख के सी आ रहा है, तो यहाँ पर आप कैसे दूसरा डिस्क या फिर दूसरा ड्राइव कैसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, चलिए मैं आपको बता दूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है। विंडोज़ आर प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको टाइप करना है diskmgmt.msc, ठीक है। इतना आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक तो ये पहला आपको दिखाएगा जो कि रिजर्व रहता है। यहाँ पे 260 MB का मेरा 200 MB के आसपास का दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको विंडोज सी जो आपका ड्राइव अभी फ़िलहाल दिखा रहा है वो दिखाएगा, और उसके बाद फिर एक और दिखाएगा, ठीक है। तो पहले और आखिरी वाले को आपको टच नहीं करना है, बीच वाला जो सी दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक करके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़े ही टाइम में आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर आपका जल्दी से नहीं आता है तो उसमें कभी कभी 1 या 2 मिनट के आसपास भी लग जाता है। देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कितने GB का एक और वैल्यू यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, मेरा 15 GB के आसपास का यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो जो आपको दिखा रहा है इसमें ना, उससे आप कम कर सकते हो, लेकिन उससे आप बढ़ा नहीं सकते। तो क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। अगर आपके कंप्यूटर या फिर सी ड्राइव में काफ़ी सारे फाइल्स होती हैं, तो ऐसे में यहाँ पे आपको बहुत ही कम चीज़ें बहुत ही कम स्पेस मिलता है, ठीक है। तो इसको आप ऊपर नहीं कर सकते हो, जितना यहाँ पे दिखा रहा ना उसके अंदर ही आप बना सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कुछ और डाल के, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो नीचे 0 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ऐसे यानी कि ये पे बन नहीं पाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, जितना यहाँ पे शो हो रहा है ना उतना ही आपको टाइप करना है। अगर आप ज़रा सा भी 1 KB या फिर 1 MB भी अगर आप ऊपर बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे आपको 0 शो होगा और यहाँ पे आपका क्रिएट नहीं होगा। तो सेम टू सेम उतना रखना है, या फिर आप उससे नीचे का रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उतना ही डाल दिया, और इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ श्रिंक पे क्लिक कर देना है। श्रिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है यहाँ पे क्रिएट हो गया है। फिलहाल तो अभी अनलोकेटेड दिखा रहा है, तो हमें इसको बनाना है, वॉल्यूम बनाना है। तो इस पर आपको क्या करना है, फिर से राइट क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपके सामने ऐसा आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से भी आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, बस सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे असाइन करना है लेटर को, तो आप डी ही रहने देना, या फिर आप अपने मर्जी से कुछ कर सकते हो। मैं डी ही छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर भी आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब हमारा जो नया वॉल्यूम है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम दिखा रहा है और यहाँ भी दिखा रहा है। तो ऐसे में मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ और आपको लेके चलता हूँ अपने फाइल पे, यानी माई कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। और अब चाहिए तो आप इसमें आप अलग से अपना जो भी कुछ इसमें रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और ये बिल्कुल अब सेफ रहेगा। अगर इन फ्यूचर आप कभी फॉर्मेट करते हो अपना लैपटॉप, तो जो वो फाइल इस वॉल्यूम में पड़ा रहेगा वो सारे के सारे सेफ रहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा न्यू फोल्डर भी यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।